हाई गाइस, आपका स्वागत है द न्यूट्रिकल चैनल पे। आज हम करेंगे ओप्पो F11 प्रो का लॉन्ग टर्म रिव्यू। इस डिवाइस को मैं काफी दिनों से यूज कर रही हूँ, तो आपको बताऊंगी कि क्या चीज मुझे इस डिवाइस में बढ़िया लगी और क्या चीज बुरी लगी। और साथ ही जो आप लोगों ने बाहर थंबनेल में पढ़ा है कि ये डिवाइस हमें 1800 रुपए का 1890 रुपए में पड़ जाएगा, वो क्लिकबेट नहीं है, वो सच है। मैं आपको आगे वीडियो में बताती हूँ कि इसके अंदर बढ़िया बढ़िया चीजें क्या हैं और साथ ही वो ऑफर आप कैसे ले सकते हैं। याद रखिएगा, वीडियो को पूरा सुनिए, ध्यान से सुनिए, क्योंकि इसमें आप ही का फायदा है। ये फोन सही में आपको 1890 रुपए में मिल जाएगा। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो रिव्यू शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि ऐसा नहीं है कि ये फोन हमारा बहुत तगड़ा है, बहुत ही जबरदस्त है। इस फोन को कई दिनों से मैं यूज कर रही हूँ, कुछ चीजें हैं जो कि मुझे इसकी नॉर्मल लगती हैं, ओके लगती हैं। तो बहुत तगड़ा फोन ये नहीं है, लेकिन जो ऑफर इसके ऊपर आई हुई है उसकी वजह से ये बढ़िया डील बन जाता है। इसीलिए आज मैं आपको इस वीडियो में इस फोन के बारे में बता रही हूँ। अब सबसे पहले जो इस फोन की सबसे अच्छी चीज मुझे लगी वो है इस डिवाइस की चार्जिंग। इस डिवाइस के अंदर हमें 4000 mAh की बैटरी मिलती है और उसके साथ मिलता है ओप्पो की वोक चार्जर मिलता है हमें बॉक्स के अंदर। और मेरा ये डिवाइस उस चार्जर की मदद से 1 घंटा 20 मिनट में फुल चार्ज हो जाता है। इसकी चार्जिंग काफी फास्ट है, मतलब अभी जो हमारा OnePlus का 7 Pro आया है उसके मुकाबले की आपको इसके अंदर चार्जिंग मिल रही है। उसके अंदर हमें रैप चार्जर मिलता है 30 वॉट का, उसके अंदर भी लगभग हमें 1 घंटा 20 मिनट ही लगते हैं और इसके अंदर भी हमें लगभग 1 घंटा 20 मिनट ही लगते हैं टोटल 0 to 100% चार्जिंग करने में। तो ये इस डिवाइस को मुझे बहुत ही बढ़िया पॉइंट लगता है, क्योंकि किसी भी फोन को अगर आपने यूज करना है उसमें चार्जिंग में कितनी देर लग रही है, मान लो आपने रात को चार्ज नहीं किया फोन को, अब सुबह आपको कहीं बड़ा जरूरी जाना है, तो आपने थोड़ी देर भी अगर चार्ज किया तो जल्दी चार्ज हो जाएगा डिवाइस। सो फास्ट चार्जिंग इस डिवाइस का बहुत ही जबरदस्त पॉइंट बन जाता है। इसके बाद इस डिवाइस का जो बैटरी बैकअप है वो भी मुझे काफी सही लगता है। जैसे कई दिनों से यूज कर रही हूँ तो बैटरी ड्रेन टेस्ट किया हुआ है, लेकिन अभी उसमें कुछ एडिटिंग बाकी है, आपको मिल जाएगा 1-2 दिनों में। वो आपको कई लोग मुझे पूछते रहते हैं कि आपने ड्रेन टेस्ट किसी और फोन का चाहिए, जैसे Redmi Note 7 Pro का, Samsung A70 का। मैं आपको बता दूं, मेरा एक अलग चैनल है TNG चार्जिंग चैनल, उस पे मैंने बहुत सारे बैटरी ड्रेन टेस्ट डाले हुए हैं, चार्जिंग टेस्ट डाले हुए हैं। अगर आपको नहीं पता है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, वो चैनल लिंक आपको मिल जाएगा। इसका मैं आज या कल में डाल दूंगी। और इससे मैंने जैसे उसको यूज़ किया है तो मुझे इसका बैटरी बैकअप काफ़ी ठीक लगा, क्योंकि मेरी नॉर्मल से हैवी यूजेज है और उसके अंदर ये 1 दिन तो आराम से निकाल देता। तो चार्जिंग भी फास्ट है और बैटरी बैकअप भी हमारे इस डिवाइस का बढ़िया है। अब इसके बाद जो इस डिवाइस का डिस्प्ले है वो भी मुझे काफ़ी सही लगता है, क्योंकि बड़ा डिस्प्ले है और साथ ही अल्ट्रा फुल व्यू डिज़ाइन के अंदर हमें मिलता है। मतलब मुझे तो एक्चुअल में नॉचेस अच्छे नहीं लगते, और बड़े डिवाइसेस जो होते हैं जिनके अंदर डिस्प्ले बड़ा हो वो यूज़ करने में ज़्यादा बेटर लगता है, क्योंकि उसके अंदर वीडियोस, गेम्स खेलने में आपको ज़्यादा बेटर लगेगा। और इस डिवाइस के अंदर डिस्प्ले हमारा काफ़ी अच्छा है, ब्राइट भी है, कलरफुल भी है, और इसके अंदर आपको बीजल्स भी कम मिलते हैं, तो आप इसके डिस्प्ले को अच्छे से इंजॉय कर सकते हैं। हालांकि अगर इस डिवाइस के अंदर हमें एमोलेड डिस्प्ले मिल जाता तो हम इसको और अच्छे से इंजॉय कर पाते, क्योंकि एकदम पंची कलर्स हो जाते और एकदम ब्राइट अप हो जाता डिस्प्ले, लेकिन फिर भी आप इसके डिस्प्ले को अच्छे से इंजॉय कर पाएंगे। अब इसके बाद अगर हम इस डिवाइस की परफॉर्मेंस की बात करें तो सबसे पहले इंटरफेस की बात कर लेते हैं। इंटरफेस मुझे इस डिवाइस का मज़ेदार नहीं लगता। मतलब पहले तो ये था कि वीवो का भी मज़ेदार नहीं था, ओप्पो का भी मज़ेदार नहीं था, लेकिन वीवो के अंदर एक अपडेट आया, अभी लास्ट अपडेट आया, और उसके बाद वो काफ़ी एक्साइटिंग सा हो गया, मज़ेदार हो गया यूज़ करने में। मुझे लगता है ओप्पो को भी नए इंटरफेस को इम्प्रूव करना चाहिए। और प्रोसेसर की परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो परफॉर्मेंस भी हमें ओके मिल जाती है, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त नहीं कहेंगे, क्योंकि हमें हीलियस P70 का जो प्रोसेसर मिलता है यही सेम प्रोसेसर हमें रियलमी के U1 में भी मिलता है, रियलमी के 3 में भी मिलता है। तो जिस बजट में ये डिवाइस हमारा लॉन्च हुआ था उस हिसाब से उसके अंदर प्रोसेसर थोड़ा बड़ा होना चाहिए था। ठीक है, मेरी जो डे टू डे एक्टिविटी है उसमें दिक्कत नहीं है, और पबजी जब मैंने खेली थी इस डिवाइस के अंदर तो वो भी ये है कि रिकमेंडेड सेटिंग्स से आप सेटिंग्स को बढ़ा सकते हैं, तो HD ग्राफिक्स के हाई फ्रेम रेट पर मैंने इसके अंदर पबजी खेली थी, उसमें हमारी पबजी ठीक चल जाती है, लेकिन ज़बरदस्त परफॉर्मेंस ऐसी है ऐसा कुछ नहीं है, आपको ओके परफॉर्मेंस मिलेगी। थोड़ा सा अगर कंपनी इंटरफेस पे वर्क करे तो हमें ये होता है कि यूज़र एक्सपीरियंस बढ़िया मिलता है।
साथ ही इस डिवाइस के अंदर हीटिंग इशू का मुझे बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं मिली। मतलब मैंने इस डिवाइस को काफी टाइम यूज किया है, चार्जिंग में भी, गेमिंग में भी। ये हमारा एक्चुअल में देखा जाए तो एवरेज जितने डिवाइसेस हीटअप करते हैं उससे थोड़ा कम हीट करता है, जबकि पबजी में लिखा भी होता है कि अगर आप सेटिंग्स को बढ़ाओगे तो आपका डिवाइस ज्यादा हीटअप हो जाएगा। लेकिन इसमें ये होता है कि एक घंटा आपने गेम खेली है तो सिर्फ 16 डिग्री टेम्परेचर राइज किया है, और जब हमने इसको चार्ज किया था इसके अंदर जो हमें फास्ट चार्जिंग मिलती है उसकी मदद से, तो सिर्फ 6 डिग्री टेम्परेचर राइज किया है। तो हीटिंग इशू मुझे इस डिवाइस में बिल्कुल भी नहीं मिला, ये चीज मुझे अच्छी लगी। अब काफी लोग कहेंगे कि आप सब कुछ ओके कह रहे हो कि परफॉर्मेंस इसकी ओके है, डिस्प्ले इसका ओके है, लेकिन फिर भी आप हमें ये डिवाइस रेकमेंड कर रहे हो। मतलब बढ़िया डिवाइस रेकमेंड करना चाहिए ना, ओके वाला थोड़ी। लेकिन एक्चुअल में इसकी डील की वजह से ये डिवाइस ओके चीजों के बाद भी बढ़िया ऑप्शन बन जाता है। मैं आपको ऑफर बताती हूँ, फिर आप अपने आप समझ जाओगे। ये डिवाइस हमारा 22,990 रुपए का है। इसके ऊपर आपको अब पुराना फोन को एक्सचेंज करेंगे तो 3,000 रुपए का एक्सचेंज बोनस मिल जाएगा, बोनस ले लेना चाहिए। उसके साथ HDFC कार्ड के थ्रू आपको इस डिवाइस के ऊपर 10% कार्ड डिस्काउंट मिल जाएगा। तो कुल लगा के ये डिवाइस अभी आपका हो गया 18,490 रुपए का। अब इसके ऊपर हमें बाय बैक वैल्यू गारंटी ऑफर खरीदनी है, जो कि 149 रुपीज की है सिर्फ। अब वो ऑफर जब आप खरीदेंगे तो आपके टोटल पैसे बने 18,639, जो कि आपको आज की डेट में देने हैं डिवाइस को खरीदने के लिए। अब इसके बाद आप जब इस डिवाइस को 6-8 महीने यूज कर लोगे और इसको एक्सचेंज करोगे तो इस डिवाइस के आपको 16,750 रुपीज वैल्यू मिल जाएगी, जो कि आप अगला डिवाइस लेने में उसको यूज कर सकते हैं। तो कुल लगाएं तो 6-8 महीने इस डिवाइस को यूज करने की कीमत आपको सिर्फ 1,889 रुपीज पड़ी, जिसको हम कह सकते हैं 1,890 रुपए पड़ी। अब एक और बात याद रखें कि ये जो ऑफर है ये हमारे आज 19 मई को है, कल ये ऑफर चली जाएगी, तो जिनको लेना है ये फटाफट से ले लो। नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका मैंने लिंक दिया हुआ है। ये बहुत ही जबरदस्त ऑफर है, बहुत ही कम लिमिटेड फोन्स के ऊपर ऐसी ऑफर आती है कि आपने डिवाइस को आराम से 6-8 महीने यूज किया, अब आप इस डिवाइस को वापस करके अगर इसी को खरीद लो, ओप्पो के F9 Pro को ही खरीद लो, नया मिल जाएगा आपको, तो उसकी कीमत आपको सिर्फ 1,890 रुपए पड़ी। ऐसी ऑफर्स बहुत कम आती हैं, अभी वीवो के V15 Pro पे भी आई हुई है, उसका भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, अगर आपने नहीं देखा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। अब इसके साथ बहुत लोग हैं जो कि क्वेश्चन पूछते हैं कि डिवाइसेस की ऑडियो क्वालिटी कैसी है। इसका ऑडियो टेस्ट अभी अपलोड नहीं हुआ है, कुछ एडिटिंग बाकी है, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ इसके ईयरपीस की जो साउंड है वो हमारी काफी क्लियर है, काफी लाउड है। अगर आप इस डिवाइस के साथ अपने ईयरफोन्स को कनेक्ट करते हैं तो भी आपको लाउड साउंड मिलेगी, बेशक आप कॉलिंग में यूज करें या फिर आप इसको म्यूजिक सुनने के लिए या मूवीज देखने के लिए करें। वैसे इस डिवाइस की जो स्पीकर की साउंड है वो इतनी लाउड नहीं है, वो थोड़ी कम है। मतलब जैसे रिंगटोन की साउंड है वो भी हमारी इतनी ज्यादा लाउड नहीं लगती, मतलब मेरे हिसाब से रिंगटोन की साउंड तो तेज होनी चाहिए। और वैसे अगर आप स्पीकर के थ्रू अगर गेम खेलेंगे या मूवीज देखेंगे तो भी आपको ज्यादा लाउड म्यूजिक या ज्यादा लाउड साउंड नहीं मिलेगी। साथ ही मैंने जैसे मेरा जो ब्लूटूथ ईयरफोन्स है शनाइजर के, इसके बारे में भी काफी लोग पूछते हैं, तो ये जो मैं कनेक्ट करके यूज करती हूँ डिवाइसेस को कॉलिंग करने के लिए, तो इसके अंदर आपको साउंड ओके मिल जाएगी। ईयरफोन्स में बढ़िया है, इसमें ओके है, ये है, और मैं आराम से 2 कमरों तक हो आती हूँ डिवाइस को एक जगह पे रख के, तो भी बिल्कुल भी आवाज कहीं पे क्रैक नहीं करती। तो उस हिसाब से ब्लूटूथ कनेक्टिविटी हमें इस डिवाइस के अंदर काफी सॉलिड मिल जाती है। अब बात कर लेते हैं इस डिवाइस के बैक कैमरा के बारे में, तो वो मुझे इतना बढ़िया नहीं लगता। मतलब पहले ओप्पो और वीवो के कैमरास बहुत अच्छे होते थे, अभी हमें डुअल कैमरा सेटअप मिल रहा है इसके अंदर 48+5 का, पर इतना बढ़िया नहीं है। मतलब डिटेलिंग अच्छी आप देख सकते हैं, वैसे पिक्स ठीक ले रहा है, लेकिन एक्सपोजर की ऑप्टिमाइजेशन नहीं है कैमरा के अंदर, तो आपके जो पिक्स आएंगे या तो वो ओवर एक्सपोज्ड आएंगी या फिर वो अंडर एक्सपोज्ड आएंगी। मतलब एक एक्सपोजर मेंटेन नहीं हो पा रहा, तो पिक्स की क्वालिटी ओवरऑल बढ़िया नहीं आ रही है। अब इसके बाद सेल्फी कैमरा जो है वो भी मुझे इतना बढ़िया नहीं लगा, क्योंकि पहले जो ओप्पो के F9 Pro में, ओप्पो के K1 में हमें 25 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलता था, उसकी पिक्स अच्छी आती थी। ये हमारा 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है, बेशक पॉपअप स्टाइल में दिया है, स्टाइलिश लगता है देखने में, सेल्फी लेने में बहुत बढ़िया लगता है, लेकिन पिक ओवरऑल बढ़िया नहीं आती। ये मैं सिर्फ मेगापिक्सल के बेसिस पे नहीं कह रही हूँ, बल्कि एंड रिजल्ट जो आया हुआ है,
जो हमारे पास पिक आई हुई है, अगर आप पुराने ओप्पो के F9 Pro को और K1 के पिक को इसके साथ कंपेयर करोगे तो इसकी पिक इतनी मजेदार नहीं लग रही। अब साथ ही इसके पॉपअप मैकेनिज्म के अंदर ही हमें फेस अनलॉक भी मिलता है, जो कि हमारा फास्ट है, अच्छे से हमारे डिवाइस को अनलॉक कर पाता है। लेकिन फिर भी वीवो का जो है, वीवो V15 Pro का, वो हमारा काफी ज्यादा फास्ट है इससे भी। और इसके साथ इस डिवाइस के अंदर हमें इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर नहीं मिलता, ये कि मुझे लगता है ठीक है, अच्छी बात है कि अगर आपके हाथ पे क्रीम लगी है, मॉइस्चराइजर लगा है, स्वेटिंग है, तो वो अनलॉक नहीं करेगा। इसमें हमारा ज्यादा सिक्योर्ड भी होता है, ज्यादा फास्ट भी होता है, ये मुझे ज्यादा बेटर लगता है। अब इसके बाद एक और चीज है जो मुझे इस डिवाइस के अंदर नहीं अच्छी लगती, वो ये है कि इसका जो डिजाइन है वो हमारा बहुत ही फ्लैट है। और फ्लैटनेस की वजह से, मतलब पीछे जो कर्व नहीं आ रहा है, जब बाकी डिवाइसेस के अंदर आप देख सकते हो पीछे की साइड हमें कर्व मिलता है, उसकी वजह से डिवाइस हमारा पूरी तरह कंफर्टेबल होता है हाथ में। ये इतना कंफर्टेबल नहीं लगता क्योंकि ये एकदम स्ट्रेट है। और लुकवाइज अगर देखा जाए तो डिवाइस हमारा ओके है, ऐसे शाइनीनेस, ऐसे कोई ज्यादा स्टाइलिशनेस नहीं मिलती है। डिजाइन भी हमारा प्लास्टिक होने के बावजूद भी ओके डिजाइन मिलता, मतलब एक्चुअल में रियलमी या वीवो के जो डिवाइसेस होते हैं वो थोड़े से ज्यादा स्टाइलिश होते हैं। ओप्पो की जो आर सीरीज है वो इतनी मस्त लगती है मुझे, मतलब उसके अंदर हमें प्रीमियम ग्लास बॉडी मिलती है, बढ़िया फिनिश आती है डिवाइस के अंदर। वैसे अगर लुक ओप्पो इसके अंदर देता तो मुझे लगता है ये डिवाइसेस हमारा ज्यादा तहलका सा मचाता, मतलब लुक वाइज तो बढ़िया लगता डिवाइस हमारा, लेकिन हमें इसके अंदर सिंपल लुक मिल रही है। और साथ ही हमें इस डिवाइस के अंदर जो गलत बात लगती है मुझे कि माइक्रो यूएसबी पोर्ट मिलता है, मुझे लगता नहीं मुझे कहना चाहिए बार बार, लेकिन फिर भी कंपनी को टाइप सी पोर्ट दे देना चाहिए। तो गाइस ये था हमारा ओप्पो का F11 Pro, जो कि ओवरऑल देखा जाए तो काफी हमारा एवरेज डिवाइस है, ऐसा बहुत जबरदस्त डिवाइस नहीं है। लेकिन जो इसके ऊपर हमें ऑफर मिल रही है, मतलब 6-8 महीने इस डिवाइस को आराम से मजे से यूज करो और इसके आपको 6-8 महीने यूज करने की वैल्यू सिर्फ ₹1890 पड़ेगी। इस ऑफर के थ्रू ये डिवाइस हमारे लिए बहुत ही बढ़िया ऑप्शन बन जाता है। सो आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मैं जल्द वापस आऊंगी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ, सो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।